सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ डेलीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर सेवन

टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट के बारे में भी हमने समझा जैसे नेचुरल एनवायरमेंट मैन मेड एनवायरमेंट तो आज हम उसी के ही बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम इनको कहते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं सो नाओ लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी पीपल प्लेसिस ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर फाउंड अराउंड एनी लिविंग क्रिएचर आर कॉल्ड एनवायरमेंट अब आप समझे कि एनवायरमेंट के अंदर पीपल प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं और जो नेचर नेचर की तरफ से जो भी हमें गिफ्ट्स मिले हैं वो जो हमारे चारों तरफ होती हैं हमारे अराउंड होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एनवायरमेंट कहते हैं इट कंस ऑफ नेचुरल मैन मेड एंड ह्यूमन इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट भी होता है वो गिफ्ट्स जो हमें मदर नेचर की तरफ से मिले हैं मैन मेड एनवायरनमेंट जिसमें जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैन ने क्रिएट किए होते हैं अपने अपनी फैसिलिटी के लिए अपनी सुविधा के लिए जो भी कुछ अपने आराम के लिए अपने लग्जरी के लिए जो भी उन्होंने क्रिएट किया है वो भी इस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है एंड ह्यूमन इट्सैल्फ ह्यूमन इट्सल्फ या ह्यूमन हिम सेल्फ़ क्योंकि ह्यूमन uh, भी तो एक एनवायरमेंट का ही हिस्सा है ना इसलिए ये तीनों की तीनों चीज़ें एनवायरमेंट के कॉम्पोनेंट होते हैं लैंड वाटर एयर ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर मेक अप द नेचुरल एनवायरमेंट तो अब आप देखिए हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में समझ रहे हैं ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ये लैंड वाटर एयर ट्रीज प्लांट्स और एनिमल्स को सबको मिला के बनता है सम ऑफ देम आर बायोटिक एंड सम ऑफ आर अबायोटिक इनमें से कुछ तो बायोटिक होते हैं जिनमें की लाइफ होती है लिविंग बींग्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अबायोटिक कहलाते हैं समझ में आ रहा है जिनमें लाइफ नहीं है लेकिन वो मदर नेचर की तरफ से हमें मिले हुए हैं तो वो भी इस नेचुरल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है उन्हें हम अबायोटिक कहते हैं बायोटिक विच हैज लाइफ अबायोटिक विच हैज नॉट लाइफ तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट नेचुरल एनवायरमेंट अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के ये जो कंपोनेंट्स जिसमें अभी हमने बायोफिकेट किया बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स में उनके बारे में लेट्स अंडरस्टेंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच इज बायोटिक एनवायरनमेंट एंड द अनदर वन इज अबायोटिक एनवायरमेंट वॉट इज बायोटिक एनवायरमेंट दे आर लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी एनवायरमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन एनीमल्स ट्रीज़ एक्सेट्रा तो देखिए ये कौन होते हैं ये लिविंग कॉम्पोनेंट होते हैं किसी भी एनवायरमेंट के फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन एनिमल्स और ट्रीज़ एक्सेट्रा इनके अलावा भी जैसे जो माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं जो एल्गीज़ एल्गीज़ आप देखते हैं ना uh, जिसे हम और काई भी बोलते हैं वो भी एक प्रकार की प्लानेशन है और इसमें जो है ग्रास भी आती है क्योंकि वो भी ट्रीज़ का प्लांट्स का ही एक पार्ट होती है तो ये सब सारे लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं और ये बायोटिक एनवायरमेंट के पार्ट कहलाते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ अबायोटिक एनवायरमेंट दे आर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट ये एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल एयर वाटर एक्सेट्रा देखिए जैसे सॉइल है एयर है वाटर है मिनरल्स हैं एंड माउंटेन्स हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हैं ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट हैं लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है इसलिए इसे हम अबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं अब समझ में आया तो नेक्स्ट नेक्स्ट इज राइट सम एग्जांपल ऑफ राइट सम एग्जांपल ऑफ बायोटिक फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स एंड एनीमल्स बाकी आपको लिखना है यहाँ जो फ्लिंग द ब्लैंक्स है दैट इज़ ह्यूमन ग्रास बैक्टीरिया एंड एल्गी या मॉस भी बोलते हैं जिसे मैं काई कह रहा हूँ बहुत छोटे छोटे होते हैं प्लानेशन बिल्कुल ग्रीन कलर का एंड अबायोटेक इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड बाकी आपको लिखने हैं सॉइल एयर वाटर एंड मिनरल्स ऑल्सो क्योंकि मिनरल्स भी नॉन लिविंग थिंग है और वो हमारे अबायोटिक एनवायरनमेंट का एक पार्ट है नाउ द टाइम फॉर ब्रेन टीजर अब आप फटाफट अपनी सोशल साइंस की नोटबुक निकालिए और मेरे साथ इन क्वेश्चन को करिए क्वेश्चन नंबर वन इज द बायोस्फीयर कंटेन्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर टू इज अबायोटिक डिफाइंस द लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम क्या जो अबायोटिक होता है वो लिविंग पार्ट्स को डिफाइन करता है नो इट फॉल्स इट इज फॉल्स एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वॉट डज बायोटिक मीन आंसर इज दे आर लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी एनवायरमेंट फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एनिमल्स ट्रीज एक्सेट्रा नो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर जरूर पढ़ते रहिए इसके साथ साथ कीप मेंटेनिंग फिज़िकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स अगर हमें कोरोना को हराना है तो फिज़िकल डिस्टेंस रखना है सिक्स फीट या यार्ड्स का दो गज की दूरी बहुत जरूरी थैंक यू वेरी मच